अब हम उद्योगों का जो अगला आधार है उसके वर्गीकरण का, इस पर बात कर लेते हैं, जो है रसायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो रसायन पर आधारित होते हैं उन्हें हम रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो केमिकल या रसायन है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर चाहे हम कृषि से संबंधित बात कर लें, या फिर कपड़े की, चमड़े की, या साबुन हो गया, ये सभी में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में, कृषि का उत्पाद बढ़ाने के लिए हम जो उर्वरक डालते हैं, या उससे बीमारी से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों का प्रयोग हम करते हैं, उसमें रसायन का प्रयोग तो होता ही है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो चमड़ा है, चमड़े को साफ करने के लिए और साथ ही साथ उसे चिपकाने के लिए भी रसायन का प्रयोग किया जाता है। कांच, कांच तो आपने देखा ही होगा, और कांच को, चाहे वो आपने अपने घर में जो आपका सेंटर टेबल है, या आपकी जो टीवी है, ऐसे या अलमीरा में जो कांच लगा हुआ है, उन सभी को साफ करने के लिए आप किसी केमिकल का इस्तेमाल करते ही हैं। और साथ ही आप आईना तो देखे ही होंगे, आईना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आईने के पीछे जो एक केमिकल की परत लगाई जाती है, जिसके कारण वो कांच जो है वो आईने का काम करता है, उस कांच के आपको आर पार दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर ले चीनी मिट्टी के बर्तन, साबुन, घर में जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं वो भी इस रसायन पर आधारित उद्योग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर वो साबुन चाहे नहाने का हो, कपड़ा धोने का हो, या बर्तन साफ करने का, जो फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं। भाई, कपड़ा धोने का साबुन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके कपड़े की पूरी गंदगी को निकाल दे रहा है, तो उसमें कुछ केमिकल का उपयोग हो रहा है, तभी तो वो कपड़े में उपस्थित गंदगी जो है उसको साफ कर देता है। फिर वो साबुन हो या फिर वॉशिंग पाउडर की भी हम बात कर लें। अब इसके बाद हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी रसायन का उपयोग किया जाता है। जैसे आप घर में अलग अलग टाइप के सॉस का इस्तेमाल करते होंगे, फिर चाहे वो इमली का सॉस हो, टोमेटो सॉस हो, तो ये सॉस जो है वो लंबे समय तक इसे प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसमें रसायन के इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चाहे वो सॉस हो, जैम हो, और भी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गई रसायन पर आधारित उद्योग की। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान में ये जो रासायनिक उद्योग जो हैं, यही पेट्रोलियम पर आधारित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। ये रसायन के कारण ही जो वर्तमान में पेट्रोकेमिकल रसायन उद्योग डेवलप हो रहा है, विकास कर रहा है, उसके लिए रसायन जो है एक प्रमुख फैक्टर है। अब हम अन्य रासायनिक उर्वरक, जैसे इस पर आधारित उद्योगों पर भी हम बात करें, तो घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं पेंट या वार्निश, ये सब भी रासायनिक उद्योग के उदाहरण हैं। और चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, औषधि जो उद्योग होते हैं अलग अलग टाइप के, इसमें भी रासायन का उपयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार से रासायनिक उद्योग के उदाहरण हैं। रासायनिक उर्वरक का एक और अच्छा उदाहरण, जो आप अपने घरों में प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ करते हैं, उन बॉटल्स को साफ करने के लिए तो रसायन का इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ उस बॉटल को शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, आकार मशीन में तो दिया ही जाता है, और साथ ही साथ उसमें केमिकल का भी यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक उद्योग जो है ये भी रसायन उद्योग का ही एक अच्छा उदाहरण है। और इसके साथ ही साथ जो औषधीय उद्योग हैं,
फिर वो अलग अलग प्रकार की औषधि उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से हम बात कर लें जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं, और विशेषकर जो आप जीवन रक्षक घोल पीते ही हैं, ओआरएस का जो घोल पीते हैं आप, उसमें भी रसायन का उपयोग किया जाता है। रसायन तो बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, फिर हम चाहे नमक की बात करें, पोटाश की बात करें या सल्फर की बात करें, तो ये सभी जो हैं ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग उद्योगों में प्रयोग में काम में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वनोत्पाद पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, जो कच्चे माल वन पर आधारित होते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम वन पर आधारित उद्योग कहते हैं। अब हम उद्योगों का जो अगला आधार है उसके वर्गीकरण का, इस पर बात कर लेते हैं, जो है रसायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो रसायन पर आधारित होते हैं उन्हें हम रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो केमिकल या रसायन है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर चाहे हम कृषि से संबंधित बात कर लें, या फिर कपड़े की, चमड़े की, या साबुन हो गया, ये सभी में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में, कृषि का उत्पाद बढ़ाने के लिए हम जो उर्वरक डालते हैं, या उससे बीमारी से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों का प्रयोग हम करते हैं, उसमें रसायन का प्रयोग तो होता ही है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो चमड़ा है, चमड़े को साफ करने के लिए और साथ ही साथ उसे चिपकाने के लिए भी रसायन का प्रयोग किया जाता है। कांच, कांच तो आपने देखा ही होगा, और कांच को चाहे वो आपने अपने घर में जो आपका सेंटर टेबल है, या आपकी जो टीवी है ऐसे, या अलमीरा में जो कांच लगा हुआ है, उन सभी को साफ करने के लिए आप किसी केमिकल का इस्तेमाल करते ही हैं, और साथ ही आप आईना तो देखे ही होंगे, आईना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आईने के पीछे जो एक केमिकल की परत लगाई जाती है, जिसके कारण वो कांच जो है वो आईने का काम करता है, उस कांच के आपको आर पार दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर लें चीनी मिट्टी के बर्तन, साबुन, घर में जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं वो भी इस रसायन पर आधारित उद्योग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर वो साबुन चाहे नहाने का हो, कपड़ा धोने का हो, या बर्तन साफ करने का, जो फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं। भाई, कपड़ा धोने का साबुन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके कपड़े की पूरी गंदगी को निकाल दे रहा है, तो उसमें कुछ केमिकल का उपयोग हो रहा है, तभी तो वो कपड़े में उपस्थित गंदगी जो है उसको साफ कर देता है, फिर वो साबुन हो या फिर वॉशिंग पाउडर की भी हम बात कर लें। अब इसके बाद हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी रसायन का उपयोग किया जाता है। जैसे आप घर में अलग अलग टाइप के सॉस का इस्तेमाल करते होंगे, फिर चाहे वो इमली का सॉस हो, टोमेटो सॉस हो, तो ये सॉस जो है वो लंबे समय तक इसे प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसमें रसायन के इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चाहे वो सॉस हो, जैम हो, और भी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गई रसायन पर आधारित उद्योग की। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान में ये जो रासायनिक उद्योग जो हैं, यही पेट्रोलियम पर आधारित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। ये रसायन के कारण ही जो वर्तमान में पेट्रोकेमिकल रसायन उद्योग डेवलप हो रहा है, विकास कर रहा है, उसके लिए रसायन जो है एक प्रमुख फैक्टर है। अब हम अन्य रासायनिक उर्वरक, जैसे इस पर आधारित उद्योगों पर भी हम बात करें, तो घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं पेंट या वार्निश, ये सब भी रासायनिक उद्योग के उदाहरण हैं। और चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, औषधि जो उद्योग होते हैं अलग अलग टाइप के, इसमें भी रासायनिक
रसायन का उपयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार से रासायनिक उद्योग के उदाहरण हैं। रासायनिक उर्वरक का एक और अच्छा उदाहरण, जो आप अपने घरों में प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ करते हैं, उन बॉटल्स को साफ़ करने के लिए तो रसायन का इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ उस बॉटल को शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, आकार मशीन में तो दिया ही जाता है और साथ ही साथ उसमें केमिकल का भी यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक उद्योग जो है ये भी रसायन उद्योग का ही एक अच्छा उदाहरण है। और इसके साथ ही साथ जो औषधीय उद्योग हैं, फिर वो अलग अलग प्रकार की औषधीय उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से हम बात कर लें जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं, और विशेषकर जो आप जीवन रक्षक घोल पीते ही हैं, ओआरएस का जो घोल पीते हैं आप, उसमें भी रसायन का उपयोग किया जाता है। रसायन तो बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, फिर हम चाहे नमक की बात करें, पोटाश की बात करें, या सल्फर की बात करें, तो ये सभी जो हैं ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग उद्योगों में प्रयोग में काम में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वनोत्पाद पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, जो कच्चे माल वन पर आधारित होते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम वन पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गोंद, गोंद जो आप अपने फटे हुए पेजों को चिपकाने के लिए या अपने फ़ोटोज़ को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं। और हाँ, आपने गोंद के लड्डू भी तो खाए होंगे। इनकी क्वालिटी में अंतर के आधार पर कोई गोंद चिपकाने का काम आता है और कोई गोंद जो है अच्छी क्वालिटी का, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। और साथ ही साथ जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं, उन्हें रिवाइव करने के लिए, उन्हें कड़क बनाने के लिए भी गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो वन पर आधारित उद्योग का एक अच्छा उदाहरण हो गया। हाँ, आप पान तो खाते ही होंगे और आपने देखा होगा कि उस पान में जिस कत्थे का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वन पर आधारित उद्योग का ही एक अच्छा उदाहरण है। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं, घर में जो आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, जैसे आप धूप जो लोभान का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ उसे जलाने के लिए जो दिया सलाई प्रयोग में लाते हैं, ये भी आपके वन पर आधारित उद्योग या उससे मिलने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग का एक अच्छा उदाहरण है। आप अपने घर में अलग अलग प्रकार के फर्नीचर प्रयोग करते ही होंगे और उसमें भी आप बात करते हैं कि भाई हमारा सोफ़ा जो है वो सागौन लकड़ी का बना हुआ है ना, तो हम उसमें क्वालिटी पर आ गए कि सागौन से बनी हुई लकड़ी या उससे जो फर्नीचर जो हम उपयोग करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सागौन की लकड़ी से ही फर्नीचर का इस्तेमाल किया जाता है, बबूल की लकड़ी हो गई, सरई की लकड़ी हो गई, इन सभी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उनकी क्वालिटी में जो है वो अंतर आ जाता है। लेकिन हम जब फर्नीचर उद्योग की भी बात कर रहे हैं, चाहे हम उनसे सोफ़े बना लें, अलमीरा बना लें, टेबल बना लें, तो ये सभी आपके, इनके लिए जो कच्चा माल है वो आपके वन पर आधारित है, या वनों से ही इनके लिए कच्चा माल जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप लाख की चूड़ियाँ तो पहनते ही होंगे, तो लाख उद्योग भी जो है इसके लिए कच्चा माल वन से ही मिलता है। हाँ, अब हम कागज उद्योग की बात कर लें, तो जो कॉपी, जिस कॉपी में आप लिखते हैं या जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि इनमें जिन कागज का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो भी वन से ही प्राप्त किया जाता है, फिर चाहे वो बांस की लकड़ी हो या नीलगिरी की लकड़ी हो। तो ये सभी ऐसे उद्योग हैं, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग या लाख उद्योग, गोंद उद्योग, ये सभी के लिए जो कच्चा माल है वो वन से प्राप्त किया जाता है। दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए सेमल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और भी अन्य लकड़ियाँ प्रयोग में की जाती हैं, लेकिन प्रमुखता से सेमल की लकड़ियाँ ही आप जो है वो प्रयोग की जाती हैं।
बच्चों हमारे छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा, और स्पेशली जो हम दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ तेंदू पत्ते का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। बच्चों जो आप ग्रामीण परिवेश से होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ अगर कुछ भी फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई समारोह हो रहा है, तो खाने के लिए हम दोना पत्तल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो दोना पत्तल है वो वन में मिलने वाले जो वृक्ष हैं, चाहे वो सरई का हो या महुए का हो, उसके पत्ते जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोना पत्तल उद्योग भी वनोत्पाद पर आधारित उद्योग हो गया। हम जब महुए की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस महुए वृक्ष से दोना पत्तल उद्योग के लिए तो इसका प्रयोग किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इसके जो बीज होते हैं इसके बीज से तेल निकाला जाता है, और इस महुए वृक्ष की लकड़ियाँ भी जो हैं वो बहुत कीमती होती हैं। तो लकड़ी उद्योग के लिए भी ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो गया। हाँ, आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के हम दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर तेंदूपत्ता जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, और तेंदूपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। तो बीड़ी उद्योग का एक प्रमुख कच्चा माल जो है ये हमारे वनोत्पाद से मिलता है, जो हमारे हमने बात की कि दक्षिणी क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर कांकेर जो क्षेत्र है वहाँ पर तेंदूपत्ता जो है वो हमें प्रमुखता से मिलता है, जो बीड़ी उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ का तो कोसा भी फेमस है। तो कोसा भी जो है, आपको पता होगा कि कोसे के जो धागे हैं ये ककून से तैयार किए जाते हैं, जो वनोत्पाद पर आधारित उद्योग हैं। तो ये बात हो गई, हमने इतने सारे उदाहरण लिए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वनोत्पाद पर आधारित उद्योग, जिस पर वन से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, उन्हें हम वनोत्पाद पर आधारित उद्योग कहते हैं। अब हम अंतिम आधार जो पशुओं पर आधारित उद्योग हैं उन पर बात कर लेते हैं। बच्चों आपको तो पता ही होगा कि पशुओं से अलग अलग टाइप की चीज़ें या पदार्थ जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, और इन पर जो आधारित उद्योग होंगे उन्हें हम पशु पर आधारित उद्योग कहते हैं। पशुओं से जैसे हमें दूध मिलता है, उनकी खालों से, बाल या रेशों से हम अलग अलग प्रकार के उद्योग जो हैं वो स्थापित करते हैं। जैसे कि दूध है, दूध से आप चाय बनाने के लिए दूध पाउडर का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, और शायद पनीर की सब्जी भी आपको बहुत पसंद होगी, और जब आप ब्रेड खाते हैं तो उस ब्रेड में बटर का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो ये सब किससे बनता है? ये सभी जो हैं वो दूध से ये पदार्थ जो हैं वो बनाए जाते हैं। फिर हम दूध पाउडर की बात करें, पनीर की बात करें या बटर की बात करें, तो चाहे पनीर उद्योग हो गया या बटर उद्योग हो गया या दूध पाउडर का उद्योग हो गया, क्योंकि दूध पाउडर जहाँ पर बनाया जा रहा है उसे वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा किसी कारखाने में ही बनाया जा रहा है। तो दूध से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगर हम चमड़े की बात कर लें तो चमड़ा भी पशुओं के चमड़े से, जो पशुओं से जो चमड़ा प्राप्त किया जाता है, तो आप चमड़े के जूते तो पहनते ही होंगे, चप्पलें पहनते होंगे, और आप बैग का भी, चमड़े के जो बैग होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते होंगे। तो चमड़ा भी जो है ये पशुओं से प्राप्त किया जाता है, और इन पर आधारित उद्योग जो चाहे हम चप्पल उद्योग, जूता उद्योग या बैग उद्योग की हम बात करते हैं, तो ये सभी जो हैं पशु पर आधारित उद्योग होंगे, क्योंकि इनसे कच्चा माल जो है वो पशुओं से प्राप्त हो रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, भेड़ें। भेड़ से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनसे हम अलग अलग प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाते हैं, जो हम घर में कालीन का इस्तेमाल करते हैं या गलीचे का प्रयोग करते हैं, ये सभी जो हैं वो भेड़ों से प्राप्त रेशों से बनाई जाती है। फिर आप
ठंड के मौसम में जो ऊनी वस्त्र के रूप में शॉल है, स्वेटर है, या छोटे छोटे बच्चों को जो हम फर वाले कपड़े पहनाते हैं, ये सभी जो हैं वो भेड़ों से प्राप्त रेशों से ही बनाया जाता है। तो ये सब हो गए आपके पशु पर आधारित उद्योग के बारे में हमने बात की, जिनमें या जिन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है ये पशुओं से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्वामित्व पर आधारित उद्योग। बच्चों, हमने इतने सारे उद्योगों की बात की, फिर चाहे वो कच्चे माल पर आधारित हो, कच्चे माल पर हमने देखा कि अलग अलग, किसी में पशु से कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है, किसी में खनिज जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, किसी में कृषि पर आधारित कच्चा माल होता है। इन कच्चे माल के बाद यदि हम बात करें तो जो उद्योग स्थापित किया जाता है उसका जो प्रबंधन है, या स्वामित्व की हम बात करें कि किसका स्वामित्व है उस उद्योग पर, इस आधार पर भी हम उद्योगों को तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसमें है पहला आपका सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है संयुक्त उद्योग, और तीसरा है निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन उद्योगों का स्वामित्व जो है वो किसी देश या किसी स्थान की शासन या सरकार के हाथों में होता है। पूरा जो उस उद्योग का संचालन या प्रबंधन का कार्य है वो शासन ही देखती है, उसकी देखरेख में ही ये कार्य जो है वो किया जाता है। फिर जैसे हम ले लें भद्रावती इस्पात संयंत्र की हम बात कर लें, या अपने भिलाई इस्पात संयंत्र की बात कर लें, ये सभी जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। दूसरा है आपका निजी क्षेत्र का उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व या प्रबंधन या देखरेख की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में होती है, उसमें शासन का कोई इंटरफेयर नहीं होता, तो उसे हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे आप अपने छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में जो जिंदल इस्पात संयंत्र है, या जिंदल ने जितने भी कारखाने जो लगाए हुए हैं, उद्योग जो स्थापित किए हैं, ये सभी निजी क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। तीसरा आपका संयुक्त प्रकार का उद्यम हो गया, या संयुक्त प्रकार के उद्योग हो गए। संयुक्त नाम से ही हमें पता चल रहा है, ना वो निजी हाथों में होगा और ना ही वो सार्वजनिक या शासन के हाथों में होगा। ये संयुक्त प्रकार का जो उद्योग या उद्यम होता है, इसमें किस उस उद्योग का जो शासन है या प्रबंधन है, ये किसी निजी व्यक्ति के और शासन दोनों के द्वारा ही इसका संचालन जो है वो किया जाता है। चाहे वो प्रबंधन का कार्य हो या पूरे ही उद्योग के संचालन का कार्य हो, ये किसी एक हाथ में नहीं होता, ये निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के जो स्वामित्व हैं ये इसका संचालन जो है वो करते हैं। तो इसे हम संयुक्त प्रकार के उद्यम या उद्योग कहते हैं। इसके बाद उद्योग का एक अंतिम जो आधार है, या आधार के आधार आधार पर जो वर्गीकरण है उस पर हम बात करें, तो उपभोक्ता उद्योग और एक है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग, इस पर तो हमने और पहले भी कई बार चर्चा कर ली है। और मूलभूत या आधारभूत उद्योग वो होता है जो अन्य उद्योगों के लिए आधारशिला या आधार का कार्य करता है। जैसे कि इसका एक सर्व प्रमुख उदाहरण है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में जो इस्पात का निर्माण किया जाता है, इस इस्पात से ही अन्य उद्योगों के संचालन के लिए जो औजार, उपकरण या मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, उन सभी के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो पूरे उद्योग की धुरी का कार्य करता है। इसके बिना हम अन्य उद्योगों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया आधारभूत उद्योग। और दूसरा है
उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग मतलब हम किसी उत्पाद के आधार पर किसी उत्पादन का प्रयोग हम कोई उपभोक्ता जो है वो अपने प्रयोग के लिए करता है तो उसे हम उत्पाद पर आधारित उद्योग के अंतर्गत उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सभी क्या हैं जो उपभोक्ता होते हैं वो सीधे तौर पर इसका प्रयोग करते हैं या उपभोक्ताओं तक की चीज़ या सामान जो है वो पहुंचाई जाती है तो इसे हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका आज का उद्योगों का वर्गीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इन उद्योगों के वर्गीकरण पर जो अलग अलग आधार होते हैं उस पर आज हमने एक विस्तृत चर्चा की है। तो आई होप जो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस आधार पर हमने उद्योगों का वर्गीकरण सीखा है या किया है। हाँ, अब ये आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से या तो आपको किसी एक आधार को देकर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या पूरा उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार किया जाता है ये एक लॉन्ग टाइप आंसर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है या फिर छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में आपको किसी एक पर्टिकुलर उद्योग का नाम दे दिया जाएगा जैसे दिया सलाई उद्योग या कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या पनीर उद्योग। तो ये सब उद्योगों के नाम आपको दे दिए जाएंगे किसी एक उद्योग के और आपको एक छोटे प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है कि ये उद्योग किस प्रकार के उद्योग से या किस आधार पर ये उद्योग का वर्गीकरण है या किस पर आधारित उद्योग है। तो इस सभी के हिसाब से आपको इस पूरे उद्योगों के वर्गीकरण को तैयार करना है। यदि सोने के विश्व वितरण की बात करें तो विश्व का लगभग 80% से अधिक सोना जो है वो 6 देश मिलकर उत्पादित करते हैं, लगभग 3/4 सोना। इन देशों के जो नाम है वो अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा और इंडोनेशिया हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से सोने का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है जो विश्व का लगभग 21% उत्पादित करता है। यहाँ पर ट्रांसवाल राज्य में जोहेंसबर्ग के पास सबसे बड़ा जो सोने का स्वर्ण भंडार मिलता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका दूसरा स्थान है जो विश्व का लगभग 16.5% उत्पादित करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग 14% उत्पादित करके विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। फिर चीन, चीन में जो है ये विश्व का लगभग 8% उत्पादित करता है और चौथा बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा है, ये सभी मिलकर विश्व का लगभग 3/4 जो सोना है वो उत्पादन करते हैं। फिर हम बात करते हैं कोयले पर। जैसा हम सभी को पता है कोयला जो है वो शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है, शक्ति और ऊर्जा का। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद से कोयले का महत्व और बढ़ गया है और आइए हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण ईंधन बन गया। भाप के इंजनों से कारखाने, रेलों तक और जो जलयान है वो इससे चलाए जाने लगे। लेकिन अभी वर्तमान में खनिज तेल और अन्य जो शक्ति के संसाधन हैं इसके प्रयोग होने से कोयले का महत्व थोड़ा कम हो गया है। यदि हम कोयले के प्रकार की बात करें तो ये कोयले के प्रकार में जो अंतर है या उसकी क्वालिटी में जो अंतर है वो इसमें मिलने वाले कार्बन, आर्द्रता और वाष्पशील पदार्थ के साथ राख की मात्रा पर निर्भर होते हैं। तो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। ये बहुत ही काला, चमकीला और साथ ही कड़ा होता है, सख्त होता है और इसमें आर्द्रता की बहुत कम मात्रा होती है जिसके कारण इसे बहुत जल्दी से जलाया जा सकता है और एक बार जलाने के बाद ये काफी देर तक जलता रहता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। इसके साथ ही इसकी विशेषता यह है कि ये बहुत कम धुआं देता है और जलने के बाद इससे बहुत कम मात्रा में
राख जो है वो बचता है, लेकिन इसका भंडार जो है वो विश्व में बहुत सीमित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। दूसरा बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट के बाद ये दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। ये कोयला मुलायम होता है और इसका जो रंग है वो काला गहरा भूरा होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नमी का अंश पाया जाता है। यह भी लेकिन आग जल्दी से पकड़ लेता है और जलने के बाद इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में राख बचती है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग जो है वो बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। फिर तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इसका रंग भूरा होता है और इसके कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है। नमी बहुत अधिक पाई जाती है। ये कोयला बहुत मुलायम होता है और जलते समय इसमें से बहुत धुआं निकलता है, कम मात्रा में ऊष्मा देता है और जलने के बाद इसमें बहुत अधिक मात्रा में राख बचती है। विश्व में जितना भी उत्पादित होता है कोयला, उसका 15% जो है वो लिग्नाइट कोयला मिलता है। फिर अंतिम है, या हम कहें कि चौथे प्रकार का जो कोयला है वो पीट कोयला है। ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोयले के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ होता है। जो वनस्पति का मौलिक रूप है उसमें थोड़ा थोड़ी मात्रा में ही इसमें परिवर्तन हुआ रहता है, इसीलिए एक प्रकार से कच्चा कोयला है। या हम कहें कि जो लकड़ी से कोयला बनने हैं बनना होता है, बुनने का जो प्रोसेस होता है, इस लकड़ी से कोयले के बनने का ये पहला ही स्टेप होता है, पहला चरण होता है। इसलिए कई वैज्ञानिक तो इसे कोयला भी नहीं मानते। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। नमी बहुत अधिक मात्रा में होती है इसमें। इसे जब जलाया जाता है तो जलते समय बहुत अधिक मात्रा में धुआं देता है और जलने के बाद राख भी बहुत अधिक मात्रा में बचती है। यदि कोयले के विश्व वितरण की बात करें तो हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जो 3 महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर विश्व का मात्र 3% कोयले का भंडार मिलता है। और यदि हम 97% जो है भंडारण की बात करें तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये 3 महाद्वीपों में जो है पूरा शेष 97% कोयले का जो है वो भंडार पाया जाता है। यदि हम प्रमुख उत्पादन की बात करें तो देखते हैं चीन है। चीन के भी मंगोलिया में आन्हुई प्रांत, शाडांग, जियागु, गुई, झाऊ, ये जो है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जो अपलेशियन कोयला क्षेत्र है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र में आता है। और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का लगभग 24.1% कोयला उत्पन्न करता है और चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र हैं, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र हैं, प्रशांत तटीय क्षेत्र हैं और खाड़ी तटीय क्षेत्र में मैक्सिको की खाड़ी के जो तटवर्ती प्रदेश हैं ये इसमें शामिल हैं। अब हम अपने भारत में बात कर लेते हैं तो भारत का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ओडिशा राज्य में, और विशेष रूप से ये दामोदर घाटी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यदि हम भारत में मुख्य खानों की बात करें तो झरिया, रानीगंज, बोकारो और गिरदी में है। दामोदर घाटी की ये जो खाने हैं ये भारत का लगभग 90% कोयला उत्पादित करती हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख खाने हैं जिसमें उमरिया, बैतूल, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा। इसके बाद राजस्थान का बीकानेर, तमिलनाडु का दक्षिण आर्कट और असम में लिडो मकुम में प्रमुख रूप से कोयले के भंडार मिलते हैं या यहाँ पर उत्पादन का कार्य किया जाता है। और कश्मीर में हम देखें तो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। इसके अतिरिक्त
हम बात करें तो जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ भी कोयले के प्रमुख रूप से भंडार पाए जाते हैं और कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम खनिज तेल भी कहते हैं और आज के समय में इसका महत्व का अंदाजा हम बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि भावी पीढ़ी के लिए इसे बचाकर हमें उपयोग करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम जो है वो हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम से प्रकाश है, ताप है या शक्ति प्राप्त करना हमने लगभग 1860 के बाद से ही करना सीख लिया था, और जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से पेट्रोलियम की खपत में या इसके उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसका प्रयोग जो है वो मोटर कार, वायुयान, ट्रक, ट्रैक्टर आदि में बहुत वृहद पैमाने पर होता है, और अधिकांश जो है वो रेल के इंजन या जलयान भी इसी से चलाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि पेट्रोलियम जब कुओं से निकाला जाता है तो इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जिसे पहले साफ करने के लिए शोधनशाला में भेजा जाता है और उसके बाद ही इसे शुद्ध करके फिर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, और अन्य प्रकार के जो चीजें हैं वो या अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रसायन उद्योग और अनेक प्रकार के जो मेकअप जो किट हैं उसमें हम कह सकते हैं, या और साथ ही साथ जो सुगंधित वस्तुओं के निर्माण है इनमें भी पेट्रोलियम का प्रयोग जो है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे उत्पादक क्षेत्र से लेकर उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन या टैंकर से हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब पेट्रोलियम के विश्व वितरण में देखते हैं कि वर्तमान समय में 65 से अधिक देश जो है वो पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें जो मध्य पूर्व में पेट्रोलियम है उसकी जो सबसे अधिक मात्रा है वो यहीं पर हमें संचित मिलती है, और ये क्षेत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, वेनेजुएला ये जो है ये महत्वपूर्ण उत्पादक है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख देशों में, तो सऊदी अरब ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक है और यहाँ बहुत विस्तृत मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। ये विश्व का यहाँ पर विश्व का लगभग 10% तेल का भंडार है, और यहाँ के एपक्याक, घावर, धाहरान और रास्तानूरा ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी अप्लेशियन क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया पेट्रोल क्षेत्र और राकी पर्वती पेट्रोल क्षेत्र ये सभी क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो सबसे पहले तेल की खोज असम के डिगबोई क्षेत्र में हुई थी, और इसके बाद लखीमपुर, नहरकटिया, मोरोन, सुरमा घाटी, बदरपुर और मसीमपुर आदि जो जगह है यहाँ पर तेल मिलने लगे। इसके साथ ही गुजरात में खंभात की खाड़ी में लुनेज, अंकलेश्वर और कालोल प्रमुख उत्पादक हैं। मुंबई हाई में तेल मिलने के बाद तेल के उत्पादन में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और कुछ पिछले कुछ वर्षों के दौरान हम देखें कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में भी तेल के भंडार मिले हैं। ये सभी जो है इस समय भारत का विश्व का लगभग 1% तेल जो है वो उत्पन्न करते हैं।